तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे सीड्स को। सबसे पहले जानिए सीड की कॉलिंग मेथड। देखिए सीड को पहले सिस्टम दो तरीके से जानता है, एक उसका कैप्शन नेम जो कि सीड वन और दूसरा प्रॉपर्टी नेम। तो यह ब्रैकेट आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है कैप्शन नेम, जैसे सीड वन का जगह पे मान लीजिए मैंने जैन कर दिया तो कैप्शन नेम क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए कैप्शन नेम आपका जैन हो गया। कैप्शन नेम जैन हो गया और प्रॉपर्टी नेम सीट नेम। प्रॉपर्टी नेम को भी चेंज कर सकते हैं यहां प्रॉपर्टी बार से, यहां दिख रहा है, यहां पे अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। तो अगर आपको कॉल करना है तो आप जो है सीट नेम से कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने सीट का लिखा सीट वन डॉट सेलेक्ट, तो क्या है सीट की प्रॉपर्टी नेम। दूसरा है सीट और यहां पे उसका कैप्शन नेम जैन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट दोनों लिख सकते हैं आप। और तीसरा आता है सीट का सीक्वेंस नंबर डॉट सेलेक्ट और चौथा है एक्टिव सीट। तो सीट को इन चार तीनों से कॉल करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था वर्कबुक्स एंड एक्टिव वर्कबुक्स, ऐसे यहाँ पे चार होते हैं। प्रॉपर्टी नेम, जैसे मान लीजिए कि आपका जो सीट का नेम है वो सीट आपका फिक्स है, जैसे इसमें जैन हो गया तो अगले महीने फैब हो जाएगा। तो जैसे फैब आप करेंगे तो फिर आपका एक कैप्शन नेम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आपको जैन को फैब करना पड़ेगा। समझे, तो सीट आपका सेम है और नेम चेंज हो रहा है तो उस केस में हम अपना प्रॉपर्टी नेम है उसके साथ डील करेंगे ताकि हमें बार बार सीट का नेम चेंज करना ना पड़े, पहली चीज। दूसरी, ये आपका कैप्शन नेम कब यूज करेंगे, जब आपका नाम फिक्स हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने डेटा डाल दिया, कॉमन नेम डेटा हो, ठीक है। तो अगर आप कैप्शन नेम से चलोगे तो क्या होगा कि कल के डेट में कोई डेटा सीट को डिलीट कर दिया, जैसे डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इसका प्रॉपर्टी नेम डिलीट हो गया। हम नया सीट लेते हैं, डेटा डाल देते हैं यहाँ पे नेम, तो कैप्शन नेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सीट डिलीट होकर नया नाम आया या नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसे सीट डिलीट होती है आपका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाता है, तो प्रॉपर्टी नेम में दिक्कत हो। तो प्रॉपर्टी नेम कब यूज करना है, जब आपका फाइल सीट का नेम फिक्स, सीट का नेम चेंज होता रहा हो, सीट फिक्स है। और कैप्शन नेम यूज कब करेंगे, जब आपका सीट चेंज होता रहता है लेकिन नेम फिक्स होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमने कैप्शन नेम और बोली क्या बोल रहे, हेलो सुनो। हाँ सर, ये कैप्शन नेम और प्रॉपर्टी नेम सर एक बार फिर से आप बताएंगे सर। जो बाहर आपको दिखता है उसको कैप्शन नेम, ठीक है, और जो यहाँ दिखता है विजुअल स्टडी में ब्रैकेट से पहले उसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। समझ में आ गया, कैप्शन नेम को कोई जो भी एक्सेल फाइल यूज करेगा वो चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टी नेम को सिर्फ जो प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है यहाँ पे जाकर। तो प्रॉपर्टी नेम बार बार चेंज होने वाली चीजें नहीं है, बट कैप्शन नेम में भी बार बार चेंज हो सकते हैं। समझ गए, समझे नहीं सर? प्रॉपर्टी नेम को डायरेक्ट लिख दीजिए, हाँ जी सर, हाँ हाँ। कैप्शन नेम को इस मेथड से लिखना होता है। समझ में आया अब? हाँ सर। अब कई बार क्या होता है कि जैसे एक फोल्डर है, फोल्डर में से 20 फाइलें हैं, 200 फाइलें का डेटा उठाना है, 200 फाइलें में किसी 5, किसी में 10, किसी में 15 डेटा है। अब मुझे सबके सीट नेम, सबके प्रॉपर्टी नेम मिलना तो पॉसिबल नहीं है ना सर। उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हम सीट की क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, सीक्वेंस नेम को फॉलो करते हैं। जैसे वन कर दिया मतलब कि पहला नंबर, टू कर दिया तो दूसरा नंबर, तीन कर दिया तो तीसरा नंबर, ठीक है। एक्टिव सीट जो हमारा एक्टिवेटेड है, जो सामने दिख रहा है,
वो शीट हमारा एक्टिव शीट कहलाती है। सर, शीट फर्स्ट वाला ऑप्शन और फोर्थ वाले ऑप्शन में फर्क क्या है? इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सही बता रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी नेम है, ये हमारा सीक्वेंस नंबर है। अब जैसे कि देखिए, डेटा शीट दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेटा ओके, हम शीट डिलीट करेंगे तो वो हाँ, शीट डेटा नंबर शीट चेंज हो में जाएगा, अगर बट थ्री, मैंने यहाँ पे थ्री कर दिया तो थ्री में वो चला जाएगा डेटा शीट पे। कल के डेट में डेटा शीट को मूव कर दिया तो अब शीट थ्री होगा, या फैब को रख ओके दिया तो अब फैब होगा। तो सीक्वेंस नंबर काउंटिंग, ओके ओके समझे? आपको यस सर। डाउट तो नहीं है? तो नहीं इन सर। चारों में से कोई एक अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नई शीट ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शीट्स डॉट ऐड। तो ये क्या करेगी, एक नई शीट ऐड कर देगी। अब उस नई शीट को ऐड करना है तो उसको रिनेम करना है। अब जो नई शीट ऐड हुई है, अब उसको रिनेम करने के लिए क्या कॉल करें, तो सबसे अच्छा होगा एक्टिव शीट। क्यों? क्योंकि जो शीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट होगा, बिल्कुल फाइल की तरह। क्या नेम में यहाँ पे डीटी कर देता हूं। अब दूसरी चीज आती है कि मुझे पता है कि डीटी शीट का नेम ऐड करना है, तो डायरेक्टली हम शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम कर देंगे इक्वल टू डीटी, तो हमारा डीटी शीट ऐड हो जाएगी। लेकिन जब भी हम सीट ऐड करते हैं तो कहाँ ऐड होती है, जो सीट एक्टिवेट है उससे पहले। लेकिन मैं चाहता हूं कि तीसरे सीट के बाद या डेटा सीट के बाद ऐड हो, तो स्पेस मारने के बाद एक बिफोर आफ्टर होता है। मुझे आफ्टर चाहिए तो मैं एक कॉमा करूंगा, तो बिफोर हमारा स्किप होके आफ्टर पे चला आएगा, और यहां लिख देता हूँ शीट्स डेटा। तो जो सीट का नेम देना है वो सीट की कॉलिंग मेथड के थ्रू देना है, जैसे कि हमने ऊपर यहां लिया होगा, ठीक है? उसके सीट के बाद ऐड होगा, उसके बाद काउंट आता है, हमने फाइव कर दिया तो पांच सीट ऐड होगा। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे लास्ट में ऐड हो, तो क्या तब क्या करेंगे, तब यहां लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड। अब यहां पे आफ्टर पे जाएंगे और शीट्स, अब शीट्स में काउंट दे दें, काउंट कितना है थ्री, मतलब तीसरे सीट के बाद ऐड हो। बड़े डायनेमिक तो नहीं हुआ, क्योंकि तीन सीट होगा इस गारंटी तो नहीं है। तो यहाँ एग्जैक्ट काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देंगे शीट्स डॉट काउंट, वो क्या करेगा शीट्स की काउंट दे देगा। क्या दे देगा, समझे सर? किसी को डाउट इसमें? लास्ट वाला सर, शीट्स काउंट। यहाँ पे जो मैनुअली हमने तीन लिखा था, तीन क्या था, मैनुअली तीन लिखा था, मतलब कि हमने इसको फॉलो किया था ना, तो मैनुअली जो हमने लिख दिया तो उसमें दिक्कत हो गया कि कल के डेट में अगर सीट बढ़ता करता है तो यहाँ मैनुअली ना दे के यहाँ पे क्या करेंगे हम सीट डॉट काउंट का शीट्स फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या करेगा, सीट की काउंट निकाल के तीन चार पांच जो भी यहाँ दे देगा। ओके, वो अपने आप काउंट कर लेगा। जी हाँ, अब बात करते हैं हम शीट के कुछ होने वाले इफेक्ट को। जैसे हमने शीट को ऐड करना सीख लिया, अब बात करते हैं शीट को डिलीट करने का। जैसे मान लीजिए शीट वन डॉट डिलीट लिखता होगा, तो ये तो सही है, चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आर ए रुक जाएगा पॉप अप करके, क्योंकि इसमें जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ इसको ऑटोमेटिक डिलीट या इसको पास कर दे, मैं इसको शो ना करे, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि ए आपका नीचे कोड जो भी होगा रन नहीं होगा, रुक जाएगा जब तक कि आप डिलीट पे क्लिक ना करें। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू, हम कर देंगे फॉल्स। इससे क्या होगा, वो अलर्ट शो ही नहीं करेगा, डायरेक्ट शो पास हो जाएगा और सीट हमारा डिलीट हो गया। हम सीट ऐड कर लिए, सीट डिलीट कर लिए, अब बात करते हैं सीट को मूव करने की। जैसे डेटा शीट है मुझे, इसको मूव करना है मुझे, करते हैं राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी। क्या सर? तो मूव एंड कॉपी करना है, तो मुझे मान लीजिए कि शीट्स हमने ले लिया फोर डॉट मूव, ठीक है, मूव कर दिया। अब छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अब शीट फोर भी कर सकता हूं या शीट्स और इसके अंदर में डेटा
डेटा भी दे सकता हूँ, मैं सिचुएशन समझाया उसके हिसाब से जो मर्जी लिख सकते हैं आप। या फिर अगर एक्टिव है डेटा शीट तो मैं यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट मूव भी कर सकता हूँ। ये क्या करेगा कि एक नई फाइल के अंदर मूव कर देगा, लेकिन जैसे ही मुझे ये स्पेस देके मैं बोला कि आफ्टर मुझे फैट के बाद मूव करना है, तो आफ्टर शीट्स यहाँ पे हमने कर दिया फैट, फैट के बाद मूव कर देगा। अगर मान लीजिए किसी और फाइल जैसे बुक टू के फैब में चाहिए, तो यहाँ पे वॉर बुक्स और यहाँ पे बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स है जो भी एक्सटेंशन हो डॉट मूव डॉट शीट देना होगा, लेकिन शीट टू खुला होना चाहिए। जैसे हमने मूव किया है सेम हमारा कॉपी करता है, सेम फीचर क्या करता है कॉपी क्या करता है, मूव के बाद यहां पर हम कॉपी कर दें तो कॉपी कर देगा। तो मूव एंड कॉपी समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट? किसी को डाउट है मूव एंड कॉपी में? सर जो पहला वाला जो लाइन है शीट फोर डॉट मूव और देन वर्कबुक बुक टू डॉट एक्सएलएक्स डॉट शीट्स डॉट फेब, तो शीट्स डॉट फेब सॉरी शीट्स और जो ब्रैकेट में फेब है इसका एक बार बता दीजिए, ये इससे क्या होगा डॉट शीट्स डॉट। इसकी बात कर रहे हैं हाँ। सर, मूव होगा तो किस सीट के? नहीं सर, आप देखिए ध्यान से देखिए, लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ देखिए ये तो नहीं मूव समझ में आ मूव गया, दूसरे समझिए, वर्कबुक में देखिए जाएगा। एक मूव जो है पहले जाने के, अगर मूव हमने कर दिया, मूव कर दिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ नहीं देते सिर्फ मूव कर देते, तो क्या करता है एक नई फाइल क्रिएट करता है उसमें मूव कर देता है, ठीक है? फिर ठीक मैं ठीक यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देके सीट का नाम दे दिया, तो इस सीट फाइल जो है हमारा जिस फाइल में सीट है मतलब एक्टिव फाइल है जिसमें वर्क हो रहा है उसी के उठा के ये फाइल के बाद सीट को इस तरह से रख देगा, समझे? ठीक लेकिन मान लीजिए कि मुझे इस सीट को एक अलग, मेरे पास फाइल है बुक टू है, मान लीजिए बुक वन हो गया वो बुक टू है, मुझे बुक टू मिलेगा तो मुझे यहाँ पे बुक टू का रेफरेंस देना होगा, जाएगा ना बुक टू में, बुक टू भी ओपन होना चाहिए ना सर? बुक टू खुला होना चाहिए। हाँ ओके। तो बुक टू में भी शीट फैब है क्या? मतलब मैं ये बस हाँ समझना होना चाह रहा चाहिए, हूँ। फैल नहीं है तो यहाँ पे जो ठीक होगा है। वो नाम दीजिएगा, मैं तो ऐसे लिख दिया, बट सीट ठीक नेम ठीक ठीक देखिए फैब में सोचिए, समझिए सीट नेम, इट इज सीट नेम, जो भी नेम अपने ठीक सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा आप डालोगे, ठीक है? ठीक तो अब ऐसा नहीं है, ऐसा नकल मत कीजिए जैसे मूव कि का कोई, अगर कोई होता था एग्जाम में अप्लीकेशन लेटर को कॉपी करता था तो नीचे थैंक्स रिगार्ड और सिग्नेचर होता था, वो अपना नाम लिख देता था कि मैं सुजीत कुमार, सब मैं सुजीत कुमार लिखना शुरू कर दिया, ऐसा वाला नहीं, ठीक है? सीट का नेम जो इन्वर्टेड कॉमा में चीजें जो आ रही है, इट डिपेंडिंग योर सिचुएशन, आपके अकॉर्डिंग, ध्यान तो रखिए। सर मूव मतलब एक तरीके से कट का ही काम कर रहा है ना, जी हाँ, कट का है काम कर ना? रहा है, हुआ ना इसको उठा के मैं सीट से पहले रख दिया था, मूव ही हुआ ना। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल दबा हाँ के जब रखूंगा तो इसकी कॉपी बना देगा ना, यहाँ देखिए बना दिया कॉपी डेटा टू, समझे? तो जैसे मूव काम करता है वैसे वैसे ही हमारा कॉपी काम करता है, क्लियर है? अब सीट को हाइड अच्छा करना सीखते हैं। जैसे सीट वन डॉट हमने यहाँ पे विजुअल, विजुअल में यहाँ पे एक्सेल सीट हिडन कर दिया, तो नॉर्मली क्या करेगा कि आपके डेटा सीट यहाँ पे कौन सा सीट वन हो, सी फैब है ना, हाँ फैब सीट को जाएगा और यहाँ से हाइड कर देगा, क्या कर देगा हाइड, जो कोई भी इसको अनहाइड करके इसको अनहाइड कर सकता है, पहली चीज। लेकिन इसी में मैंने कर दिया सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, क्या कर दिया हमने वेरी हिडन, ये भी हाइड करेगा लेकिन इसको अनहाइड और राइट क्लिक से नहीं कर पाइएगा, अनहाइड करने के लिए लिखना होगा कोड क्या, सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल, समझे? इससे आपका विजुअल होगा, इससे आपका वेरी हिडन होगा जो कि अनहाइड इसी विजुअल कोड से ही होगा, किसी और चीज से नहीं होगा,
और ये आपका वेरी सीट हिडन नॉर्मल हिडन है जो कि कोई भी राइट क्लिक करके अलाइन कर सकता है, समझे। अब आते हैं सीट के ऊपर पासवर्ड डाल लेंगे, सीट डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे स्पेस देके हमने पासवर्ड डाल दिया। ये क्या करेगा, राइट क्लिक करके सीट को प्रोटेक्ट कर देगा पासवर्ड डाल के। पासवर्ड अगर टेक्स्ट है इन इनवर्टेड कॉमा नंबर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड आपका अनप्रोटेक्ट कर देगा। तो आपने सबसे पहले सीट का सीट की कॉलिंग मेथड, देखिए जहां जहां मैंने सीट फोर डायरेक्ट यूज कर दिया है तो इन इसके जगह पे इन चारों में से पांचों में से कोई एक यूज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका फाइल होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सीट का नाम जहां भी लिखना होगा इन पांचों में से कोई एक मेथड को लेंगे और मेथड देख लेंगे क्या है, अगर फिक्स नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग, अगर फिक्स सीट है तो सीट के अकॉर्डिंग, सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, एक्टिव है तो एक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सब में जो डॉट वाला सिस्टम है वो सब में सेम है। तो हमने यहाँ पे सीट को ऐड किया, हमने सीट को रीनेम किया, हमने नेम सहित सीट को ही ऐड किया, इक्वल करके यहाँ पे इक्वल करना था, फिर हमने सीट को ऐड किया अपने अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने सीट को डिलीट किया, हमने यहाँ पे सीट को मूव किया, हमने सीट को कॉपी किया, हम सीट को हाइड अनहाइड किए, हम सीट को प्रोटेक्ट किए। तो हम सीट पे इतना ही तो करते हैं और कुछ करते हैं सीट पे सर, ठीक है। अब बोले सर हम इसमें जाके डेटा लिखते हैं, तो डेटा तो हम रेंज पे लिखते हैं ना, सीट पे थोड़ी लिखते हैं। ओके जैसे हम रहते कम घर में है लेकिन रहते तो कमरा नहीं है ना, क्या सर घर के अंदर बहुत सारे से कमरे हो गए ना, तो किसी उसमें एक कमरा पे लिखेंगे ना, रहेंगे ना, उसी तरह से समझे। तो इस सारे कोड को जैसे वर्कबुक के साथ आपने प्रैक्टिस किया था ऐसे इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे।